तो भाइयों बहनों, क्या हाल चाल? बढ़िया सर। आज का क्या टॉपिक है सर? आज हमें झटपट पढ़ लेना है, शानदार जानदार तरीके से, जो हमारी जिंदगी में सदैव है सर। हमारी जिंदगी में वेजर नहीं है, क्योंकि हम सट्टेबाज नहीं है। उरी दादा, हम कभी सट्टे नहीं खेलते हैं, हम सटोरे नहीं हैं, हम सटोरे बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन हम सटोरे नहीं हैं, लेकिन हम कंटीजेंट हैं सर, है ना। हम संभावनाओं पर, तीसरी पार्टी की संभावनाओं पर, तीसरी घटना पर डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ सर? पढ़ाने का हुआ। अगर 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 इंटरनेट चालू होगा, लाइट आ रही होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का है या लाइट आने का है सर? पढ़ाने का है। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर लाइट आ रही होगी। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, याद आ गई होगी बात। कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड अपॉन द कंटीजेंसी, यानी थर्ड इवेंट पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड हो जाए तो सर वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। राइट, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट टू डू, और मैं ये काम नहीं करूंगा नॉट टू डू, इफ सम इवेंट, कॉलेटरल मतलब उससे जुड़ा हुआ, इफ सम इवेंट जो उससे जुड़ा है। या तो जैसे कि भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर लाइट आएगी, तो या तो वो लाइट आए, या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर अगर कोई बाहर की साउंड नहीं आएगी। पता लगा यहाँ शादी हो रही है, ढोल बजे नाचो, तो भैया अरे भैया मैं पढ़ा, भैया पढ़ा लूंगा, तुम्हारे नाच देख लो भैया, ना चलो तुम ना चलो पहले, ना चलो पहले भैया, ओ घोड़ी में पहले वाले भैया, अरे घोड़ी पे क्यों बैठा, तू उतर के ना चले, मैं पढ़ा ना लू, तेरे शादी जरूरी है। हाँ भैया, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी जरूरी है भैया, शादी। तो भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर ढोल बाजे की आवाज नहीं आएगी, नॉट हैपनिंग, यानी कि डिपेंड, मेरा पढ़ाना किस पे डिपेंड हो गया? हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, नजर न लग जाए तुझे, शादी कर ले जा पहले, है ना। नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द कॉलिट्रियल इवेंट, जुड़ा हुआ इवेंट, या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा। जुड़ा हुआ इवेंट, या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा सर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सर? दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सर, दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस और गारंटी, है ना। दुनिया का बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। भैया तुमने कार इंश्योरेंस करा रखा है, कार इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो भैया हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर तुमने कराया है तो किस चीज से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट किस चीज से हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रीमियम भरने का और किसी चीज की भरपाई करने का, कि मैं तुम्हें प्रीमियम दूंगा और तुम भरपाई करोगे लॉस की। लेकिन वो डिपेंड किस पे हो जाएगा सर? डिपेंड हो जाएगा बीमार होने पर, बीमार होने पर डिपेंड हो गया, या फिर अगर कार इंश्योरेंस है तो कार के एक्सीडेंट होने पर, एक्सीडेंट होने पर डिपेंड हो गया। तो बस मुझे एक चीज बता दो, मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारा मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारा मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कहा वो तभी पढ़ पाऊंगा भैया जब इंटरनेट हो रहा होगा, इंटरनेट आएगा तभी तो मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा। रे पुष्पा, किस पे डिपेंड है सर? इंटरनेट पर। तो बस मुझे इतना बता दो, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मेरा पढ़ाने का है या इंटरनेट की सेवाओं के मिलने का है, या इंटरनेट का है, ये बताओ, पढ़ाने का है या इंटरनेट का है? ए मुन्ना मुन्नी, अरे इधर उधर की बातें मत करो रे भैया, ए तमंग भैया, इधर उधर की बातें काहे कर रहे हो? नोट से पढ़ो ना, किताब में क्या रखा है? कछु नहीं रखा है, यहां से पढ़ो यार। तुम्हें जो नोट्स दिए वो पढ़ लो, बहुत नंबर आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है सर। तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का है, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का है। इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बीमार होने का है या प्रीमियम और भरपाई का है? बिल्कुल सही बात, सभी बच्चे कह रहे हैं प्रीमियम और भरपाई का। इससे क्या पता लगा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज के ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंसी वाले इवेंट पर, डिपेंडेंसी वाले इवेंट का, डिपेंड इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करते, डिपेंड इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ाने का है, कंटीजेंसी तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर दी जाती है, पर कंटीजेंसी का हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो एक राज की बात पता लगी, बहुत गहरे राज की बात पता लगी, कि बीमार होने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लॉस की भरपाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंटरनेट के आने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इंटरनेट के आने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया रे भैया, कॉन्ट्रैक्ट किया है पढ़ाने का। यानी कि जो कंटीजेंट इवेंट है, जो कॉलिटेरियल इवेंट है, कॉलिटेरियल इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हम कॉलिटेरियल इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, कॉलिटेरियल इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते सर। मजा आ गया सर, याद आ गई बात सर, याद आ गई।
ठीक है ना, राइट, सारे एग्जांपल ये लिखी बात सर। कॉलेटरल इवेंट का हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और ना ही कॉलेटरल इवेंट कंसिडरेशन में मिलता। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मुझे बदले में जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो इंटरनेट मिल रहा है क्या? इंटरनेट मिल रहा है क्या? बदले में जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो इंटरनेट नहीं मिल रहा, यानी कॉलेटरल इवेंट कंटिजेंट इवेंट बदले में नहीं मिलता। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें बदले में इंटरनेट मिल रहा है क्या? तुमने मुझे फीस दी तो फीस के बदले तुम्हें बदले में कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? इंटरनेट मिल रहा है क्या? नहीं, तुम्हें पढ़ाई मिल रही है। यानी कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर इंटरनेट आया, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर इंटरनेट आया, अगर नेटवर्क आए, अगर इंटरनेट आया, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर इंटरनेट आया, वाईफाई आया, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर वाईफाई आया, तो वाईफाई ना ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वाईफाई ना ही कंसिडरेशन मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का हुआ है, कंसिडरेशन में फीस मिलेगी और तुम्हें पढ़ाई मिलेगी, कंसिडरेशन में फीस मिलेगी रेजिस्ट्रेशन की तरह और तुम्हें पढ़ाई मिलेगी। वाईफाई की बात तो सिर्फ डिपेंडेंसी है, वाईफाई का ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वाईफाई ना कंसिडरेशन में लेन देन में आ रहा है। इसलिए कॉलेटरल इवेंट क्या होता है अगर आप डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे सर कॉलेटरल इवेंट वो होता है जिसका ना हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ना ही वो कंसिडरेशन में मिलता है। बोलो मजा आ गया सर, समझ गए बात, जय बात, समझ गए सर। सर फ्यूचर क्या है कंटिजेंट के? सर सर कंटिजेंट एक तो हमेशा फ्यूचर FUTURE फ्यूचरे फ्यूचरे इवेंट पे होगा, जो इवेंट पास्ट में हो गया और जो हो रहा है वो कंटिजेंसी नहीं है, कंटिजेंसी वही होगी जो फ्यूचर में होगा। कंटिजेंसी हमेशा किस पे होगी सर? कॉलेटरल इवेंट यानी कि एक तीसरी घटना, कॉलेटरल इवेंट मतलब एक थर्ड घटना पर डिपेंड होगा, थर्ड घटना पर डिपेंड होगा, है ना, राइट, बात समझ में आ चुकी है सर। ठीक है, जैसे कि ये ए ने कहा बी को कि भाई मैं तेरा स्विमिंग पूल बना दूंगा, तैरता हुआ निकल जाइयो मजा आ जाएगा, है ना, मैं स्विमिंग पूल बना दूंगा अगर वो स्विमिंग पूल अप्रूव कर दिया आर्किटेक्ट के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में पूल बनाने का, लेकिन वो डिपेंड किस पे हो गया? अप्रूवल पर। डिपेंड किस पे हो गया? अप्रूवल पर। तो अप्रूवल ऑफ आर्किटेक्ट हो गया हमारा कॉलेटरल इवेंट, अप्रूवल ऑफ आर्किटेक्ट हो गया हमारा कॉलेटरल इवेंट, और पूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है बदले में पैसा मिलेगा, पूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है बदले में पैसा मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पूल बनाने का हुआ और पैसे के लेन देन का हुआ, लेकिन डिपेंड किस पे हो गया? अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव करा तभी तो बना पाएंगे, आर्किटेक्ट ने मना कर दिया तो ना बनेगा भैया। समझिए सर, ये मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें समझाया है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट शुड नॉट मियर विल, सिर्फ मेरी विल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अगर वो मेरी विल पे डिपेंड हुआ तो वो कंटिजेंट नहीं है। जैसे कि लिखी बात, ए ने कहा बी को मैं 1,00,000 रुपए दूंगा अगर मेरी मर्जी हुई, मेरी मर्जी हुई तो ही, इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मेरी मर्जी हुई तो मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, भाई मर्जी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मेरी मर्जी हुई, विल मेरी इच्छा हुई, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इच्छा, मियर इंटेंशन कभी कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर नहीं बनते हैं, याद आ गई होगी बात। लेकिन अगर मियर विल की जगह, मियर मतलब होता है सिर्फ, उम्मीद है तुमने लिखी होगी बात, सिर्फ विल पे डिपेंड नहीं, अगर विल के साथ साथ कुछ और चीजें भी डिपेंड हो जाएं कि भैया मैं दिल्ली छोड़कर मुंबई चला जाऊंगा अगर मेरी मर्जी हुई, लेकिन मुंबई जाना खाली मेरी मर्जी के साथ साथ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो भैया लॉकडाउन लग गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, है कि नहीं बात, तो ये अगर दोनों चीजें और साथ में जुड़ गई तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज इट इज द विल ऑफ ए बट नॉट मियर विल ऑफ ए, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड तो है लेकिन सिर्फ उसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, और फैक्टर भी साथ में जुड़ गए हैं, उम्मीद है याद आ गई होगी बात। और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अनसर्टेन होता है, गाना गाते हुए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो, किसने जाना, उड़ली उड़ली हुई है ना, तो उड़ली उड़ली वही में हमें यह पता लगा यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यानी कि अनसर्टेन का मतलब होता है जो चीज सर्टेन ना हो, कल क्या हो कोई नहीं जानता, यानी अगला पल अगला घंटा कल का दिन क्या है सर, अनसर्टेन है। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो घटना घटित होगी थी, थर्ड घटना जो घटित होगी वो कंटिजेंट है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन पता नहीं, मेरे कंट्रोल से बाहर है, अनसर्टेन है, मुझे पता नहीं,
है ना, कि कल क्या हो। सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 32 से 36 32 के साथ 34 पढ़ेंगे, जोड़ा है 32 34 का और 33 34 का, है ना, तो जोड़े में पढ़ेंगे, सॉरी 35 का है ना, हाँ राइट। सर पहले 32 पे आते हैं, 32 पे आते हैं, घड़ियों वाला टाइटैनिक वाली कहानी याद आ गई होगी, घड़ी और टाइटैनिक याद आ गए होंगे, घड़ी और टाइटैनिक याद आ गए होंगे, जैक और रोज कौन दूर तक थूक फेंकेगा ये हम कंपटीशन लड़ते हैं, तो जैक और रोज खड़े हैं बिल्कुल टाइटैनिक के कोने पे, अरे धक्का मत देती हूँ भैया डूब जाऊंगी मैं, धक्का मत देती हूँ कभी डूबो दे, है ना। लेकिन जैक और रोज जिस टाइटैनिक से आ रहे हैं उन टाइटैनिक में घड़ियां रख के आ रही हैं, उन टाइटैनिक में घड़ी रख के आ रही है। अब पहला केस सुनना ध्यान से मुन्ना, पहला केस सुनेंगे सर। कंटीजेंट कॉन्टेंट डिपेंड अपॉन हैपनिंग, पहले कॉन्टेंट क्या हुआ, मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेच दूंगा, मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेच दूंगा या मैं तुमसे सारी घड़ी खरीद लूंगा, मैंने कॉन्टेंट के सारी घड़ी बेच दूंगा इफ टाइटैनिक कम्स, अगर टाइटैनिक आ गया तो मैं घड़ी बेच दूंगा, अगर टाइटैनिक आ गया तो मैं घड़ी बेच दूंगा। बताओ टाइटैनिक सच में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, यस टाइटैनिक अराइव्ड, अब क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, यानी कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर देंगे सर, शुरू कर देंगे अपना काम पूरा करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। नाउ सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्वेश्चन नंबर टू खबर आ गई, टाइटैनिक नहीं आया पर उसकी खबर आ गई कि टाइटैनिक संक, टाइटैनिक डूब गया भैया। अब बताओ क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का, क्या होगा टाइटैनिक डूब गया कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, बिल्कुल सही बात सर। नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, क्योंकि हमने क्या कहा था कि मैं घड़ी बेचूंगा अगर टाइटैनिक आया, अगर टाइटैनिक नहीं आया तो घड़ी नहीं बिकेगी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट घड़ी का बेचना डिपेंड हो गया किसी इवेंट के पूरा होने पर, ऑन हैपनिंग। मजाको सर 32 के साथ पढ़ना पड़ेगा 35, 32 के साथ कितना पढ़ना पड़ेगा सर, 32 के साथ पढ़ना पड़ेगा 35। अब मैं कह रहा हूं ऑन हैपनिंग विद इन अ टाइम, मैंने कहा मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी सेल कर दूंगा अगर टाइटैनिक अराइव्ड, याद आ गया टिल 14 फेब, जानबूझ के डेट सेम ले रहा हूं रे मुन्ना ताकि तुम्हें याद आ जाए त्योहारों का मौसम, क्या मौसम आया है त्योहारों का, सुनना ध्यान से। टाइटैनिक अराइव्ड ऑन 13, अब क्या होगा टाइटैनिक आ गया 13 को, क्या होगा सर, बिल्कुल सही, मजा आ गया सर। 13 को खबर आ गई, ऑन 13 खबर आ गई टाइटैनिक संक, अब क्या होगा रे पुष्पा, टाइटैनिक डूब गो भैया डूब गो, 13 को ही डूब गयो, बिल्कुल सही पहचाने बालक, वॉइड, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, टाइटैनिक आया डूबा नहीं, टाइटैनिक अराइव्ड ऑन 15 फेब, 15 को आया, अब बताओ आ तो गया, हमने कहा था टाइटैनिक आएगा तो घड़ी बेचूंगा, टाइटैनिक आ तो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, घड़ी बेची जानी चाहिए, है ना पुष्पा, ए पुष्पा फायर बनने का फ्लावर बनने का नहीं, अब वॉइड क्यों,
सही बात, सारे बच्चे कह रहे हैं सर वर्ड बिल्कुल सही। सर हमने कहा था टाइटैनिक आएगा टिल 14 तक आएगा तो बेचूंगा घड़ी, 14 के बाद आया तो घड़ी नहीं बेचनी, अब वो 15 को आया तो घड़ी नहीं बेचनी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ वॉइड। तो भैया संगम जोड़ा है, जोड़ा किसका जोड़ा हुआ, दो जोड़े एक साथ पढ़ने हैं तुम्हारी तरह, धारा 32 प्लस धारा 35, जोड़ों को दो हंसों के जोड़ों को अलग नहीं करना, दो हंसों का जोड़ा एक साथ पढ़ना है, ठीक है ना, राइट, 32 और 35 एक साथ पढ़ेंगे, है ना, 32 और 35 एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, इधर ध्यान दो, त्योहार त्योहार की बहुत चिंता है तुम्हें, 32 और 35, सर 33 और 35 को पढ़ना है एक साथ, इस बार आया सर मैं तुम्हें घड़ी बेचूंगा, आई विल सेल ऑल माई वॉचेस इफ टाइटैनिक नॉट अराइव्ड, टाइटैनिक नहीं आया, मैं सारी घड़ी बेचूंगा अगर टाइटैनिक नहीं आया, मैं सारी घड़ी बेचूंगा अगर टाइटैनिक नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया नॉन हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया नॉन हैपनिंग, मैं सारी घड़ी बेचूंगा अगर टाइटैनिक नहीं आया, क्वेश्चन नंबर वन, टाइटैनिक आ गया, टाइटैनिक अराइव्ड, आंसर आ गया वॉइड या वैलिड, सही बात सर बिल्कुल वॉइड, क्योंकि मैंने कहा था मैं सेल करूंगा अगर नहीं आया, नहीं आया तो सेल करूंगा, आ गया तो फिर ई नहीं चलवे, ई नहीं चलवे। क्वेश्चन टू, खबर आ गई, खबर आ गई टाइटैनिक डूब गया, आंसर खबर आ गई टाइटैनिक डूब गया, अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, क्योंकि मैंने कहा था सेल करूंगा, मैंने कहा था सेल करूंगा, अरे पुष्पा अगर नहीं आएगा तो टाइटैनिक डूब गया तो मतलब टाइटैनिक नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मैं तुम्हें सेल करूंगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मजा ही आ गया, मजा आ गया रे पुष्पा, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। 33 अगला जोड़ा बनाते हैं सर, अगला जोड़ा बनाते हैं, मैंने कहा इस बार मैं तुम्हें सारी घड़ी सेल करूंगा इफ टाइटैनिक नॉट अराइव टिल 14, टाइटैनिक नहीं आया 14 तक तो मैं तुम्हें सारी घड़ी सेल करूंगा, टाइटैनिक नहीं आया तो मैं तुम्हें सारी घड़ी सेल करूंगा, फिर से तीन क्वेश्चन बनते हैं सर, मैंने कहा टाइटैनिक नहीं आएगा तो बेचूंगा, 14 तक नहीं आएगा, लेकिन टाइटैनिक आ गया 13 को, टाइटैनिक आ गया 13 को, बोलो रे पुष्पा, बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो रे, सर बिल्कुल सही वॉइड, मैंने कहा टाइटैनिक को आना नहीं चाहिए 14 तक, अगर वो नहीं आया तो बेचूंगा, लेकिन वो तो आ गया रे, तो नहीं बेचूंगा वॉइड, टाइटैनिक डूब गया, टाइटैनिक नहीं आया, टाइटैनिक नहीं आया 13 तक 14 तक तो बेचूंगा, 13 को टाइटैनिक डूब गया, यानी कि अब उसका 14 तक अब वो नहीं आएगा, यानी इसका डूब गया तो मतलब 14 तक नहीं आएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, बहुत बढ़िया सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, है ना, टाइटैनिक आया 15 को, यह मजेदार क्वेश्चन, टाइटैनिक आया 15 को, वॉइड या वैलिड, सभी बालक बिल्कुल सही सर, वैलिड क्यों बोल रहे हो सर, सर वैलिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 14 तक नहीं आएगा तो घड़ी बेचूंगा, अगर वो 15 को आया है, 15 को आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 तक तो नहीं आया ना,
15 को आया है तो 14 तक नहीं आया है, 15 को आया है तो 14 तक तो नहीं आया ना। अगर 15 को आया तो 14 तक नहीं आया, अब 14 तक नहीं आया तो बेचूंगा घड़ी, क्योंकि मैंने कहा था नहीं आएगा तो बेचूंगा, तो 14 तक तो नहीं आया ना, 14 तक नहीं आया तो बेचूंगा। वैलिड, बिल्कुल सही जवाब सर। ये जोड़ा कौन सा बना सर? जोड़ा बनाएंगे दो हंसों का जोड़ा, सेक्शन 33 प्लस सेक्शन 35, ये बनेगा दो हंसों का जोड़ा ये वाला। तो दो जोड़े बने सर, पहला जोड़ा 32 प्लस 35 और दूसरा जोड़ा 33 प्लस 35। तो ये सेक्शन जोड़े में पढ़ने हैं, जोड़े में पढ़ने हैं, जोड़े में पढ़ने हैं। मजा आ गया सर, मजा आ गया, सब कुछ याद आ गया सर, धुंधली यादें ताजा हो गई, गजनी नहीं है, हमें सारी बातें याद आ जाती हैं, हम गजनी से बहुत तेज हैं। सेट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द लिविंग लिविंग पर्सन, सिंपल बात, ठीक है, ये केस याद रखेंगे एग्जाम के लिए, बात खत्म। ए ने कहा बी को कि अगर तू शादी कर लेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा अगर तू शादी करता है सी से। पता लगा सी ने शादी कर ली डी से, ओरी दादा घर बसने से पहले ही उजड़ गया, गांव बसने से पहले ही लुट गया, है कि नहीं बात। शादी भी नहीं हुई तो क्या पैसे मिलेंगे सर? नहीं मिलेंगे। लिविंग पर्सन के ऊपर ये बात डिपेंड हो गई कि अगर कोई लिविंग पर्सन ये काम करेगा तो मैं पैसे दूंगा, अगर उसने नहीं किया या किसी और से शादी कर ली तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। और आखिरी में सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंड हुआ है सर किसके ऊपर? सर सेक्शन 36 के हिसाब से डिपेंड अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम चांद तारे तोड़ के लाए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम मुझे फीस दोगे अगर हमने खजाना ढूंढ लिया, ठीक है ना, राइट। तो ये सब क्या है सर? कंटीजेंट है, ऑलवेज ऑलवेज वॉइड, ऑलवेज वॉइड रे पुष्पा, ऑलवेज वॉइड। दो लाइन अगर आपस में मिल जाएंगी, दो रेल की पटरी आपस में मिल जाएंगी तो भैया मैं पैसे दूंगा, वॉइड, है ना। तो मरे हुए के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डिस्ट्रॉय पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये वॉइड होता है। बोलो समझ गए सर? मजा ही आ गया, हमने पढ़ लिया पूरा सेक्शन 31, 32, 33 के साथ 35, 32 के साथ 35, 34 और 36। हाँ तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, वाह वाह वाह। बोलो मजा आ गया सर? मजा आ गया सर। सर अब क्या बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, एक केस स्टडी लिख के जाने का है रे मुन्ना। लॉक टू करेंगे आज, पुरानी यादों को और ताजा करेंगे। लॉक टू करेंगे मुन्ना, बताओ रे क्वेश्चन पढ़ो। यही क्वेश्चन एग्जाम में टपक गया अगर, तुम्हारे पिछले जन्म का क्वेश्चन 1983, 1986, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में टपक गया हो तो क्या लिखोगे एग्जाम में? मेरी जान मुझे मुझे बता दो सर। चलो ये वाला पढ़ते हैं, शायद इस वाले से पढ़ के तुम्हारी यादें ताजा हो जाएं। सेम बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है सर। ए का डॉग खो गया, सर्वेंट ढूंढने गए, सर्वेंट कौन है हमारे? रामू काका, जलेबी, ये वही है रामू काका। सबसे खतरनाक बात, ही डिड नॉट हियर अबाउट द लॉस्ट डॉग, है ना। सर्वेंट फाउंड द डॉग, जब उसे पता लगा भैया इनाम मिलना था, इनाम, क्या वो इनाम क्लेम कर सकते हैं, क्या वो इनाम क्लेम कर सकते हैं, जल्दी बताओ क्या वो इनाम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताओ भैया। और केस का नाम बताओ,
हर्ष भैया कह रहे हैं नहीं कर सकते। चलो आंसर तो तुम्हें पता है, बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई, बात बहुत बढ़िया। केस का नाम और बोल दो, केस का नाम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल सही सर, मजा आ गया। उसे ऑफर की नॉलेज ही नहीं है, केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। बहुत ही जानदार, बहुत जानदार, सारे बालक ताले बजने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया तुमने, दिल खुश कर दिया रे पुष्पा, दिल खुश कर दिया। पुराने चैप्टर का केस का नाम याद है, लॉ याद है, इससे बड़ी खुशी की बात एक अध्यापक के लिए कुछ हो ही नहीं सकती सर, एक अध्यापक के लिए इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती, एक टीचर के लिए खुशी की बात हो नहीं सकती कि बच्चे को, वाह मजा आ गया सर, दिल गार्डन गार्डन है क्यों मेरा। सर लिखें कैसे, कुछ इस तरह एग्जाम में लिख के आना है सर, कुछ इस तरह एग्जाम में लिख के आना है, चेक कर लेते हैं सर। सर पहला ये लिखना है एस पर, है ना, सेक्शन 2A ऑफर क्या होता है, सिग्निफाइज द पर्सन टू हूम इट इज मेड, 2A के हिसाब से, ओ सॉरी 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 2A कह रहा हूं, 2B एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस क्या होती है, पहले हम 2A के हिसाब से एक्सेप्टेंस लिखेंगे, फिर एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हूम इट इज मेड, ऑफर उस तक पहुंच जाना चाहिए जिसको हमें पहुंचाना है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू द पर्सन टू हूम इट इज मेड, यानी कि दैट मीन्स एनी एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स हाँ कोई भी एक्सेप्टेंस उस चीज के बारे में जिसके आपको ऑफर ही ना हो, जिसका आपको पता ही ना हो, है ना। तो पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये लिखा, तीसरा पॉइंट ये लिखा, और फिर ये मैंने प्रोविजन का केस लिख दिया। क्या लिखा सर, एनी एक्सेप्टेंस, मजा आ गया सर पढ़ के, एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर, बिना नॉलेज के एक्सेप्टेंस नहीं होती, ऑफर की नॉलेज के बिना आप किस चीज को हाँ कर रहे हो, जब मैं तुम्हें कोई ऑफर ही नहीं दे रहा तो तुम हाँ किस चीज कर रहे हो पुष्पा, दैट इज एनी एक्सेप्टेंस, दैट इज एनी एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज कंसिडर टू बी वॉइड, कोई भी एक्सेप्टेंस आप दे रहे हैं उस चीज की जिसका ऑफर आपको पता ही नहीं, एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बात लिखी, एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर, बिल्कुल सही, कुणाल ने बहुत बढ़िया बात लिखी, बाकी बच्चों ने बहुत बढ़िया बात लिखी, है ना, एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस, नहीं नहीं एक ही केस है, केस तो एक ही है, लालमन शुक्ला गौरीदत्त। अब लालमन शुक्ला गौरीदत्त में भी यही हुआ, प्लेंटिफ ने बेटे को ढूंढा विदाउट एब्सेंट ऑफ नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड, जब रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं, रिवॉर्ड पता नहीं यानी ऑफर का रिवॉर्ड पता नहीं, तो भैया तुमने जब ढूंढा होगा बच्चे को तो धर्म खाते में ढूंढा होगा, राइट। एनालिसिस क्या लिखेंगे सर, एनालिसिस छोटी सी एनालिसिस लिखनी है, छोटी सी एनालिसिस लिखनी है, इन द प्रेजेंट केस फिशरमैन हैज नो नॉलेज ऑफ द रिवॉर्ड, नो नॉलेज ऑफ द ऑफर, स्टिल स्वैम द सी, स्टिल फाउंड द डॉग, एज पर अफोरसेड प्रोविजन, एज पर अफोरसेड प्रोविजन ही कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड एज ही हैज नो नॉलेज ऑफ द रिवॉर्ड। सर ये एग्जाम की प्रेजेंटेशन है, प्लेंटिफ मतलब केस करने वाला, प्लेंटिफ मतलब केस करने वाला, केस करने वाला, कलेश करने वाला नहीं, केस करने वाला, डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस ठोका गया है, राइट। सर एक नजर में भी प्यार होता है, हाँ सर एक नजर में भी प्यार होता है, ऐसे होता है एक नजर में प्यार, ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा सर,
आंसर नंबर टू, बस इतना कंटेंट। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी लिखें, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। बीकॉम कितने पेज नहीं भरने का रे पुष्पा, बीकॉम कितने पेज नहीं भरने का। आंखों में नींद भरी है पर सोना नहीं है, सपने मेरे ऊंचे हैं इसलिए जागते रह के पढ़ना जरूरी है।